नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के तीर्थ धाम बटेश्वर के कस्बा बाहा में पथवारी माता मंदिर टंकी के पास ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा के बहन और भाइयों ने आज यानी कि गुरुवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी सभी भाई और बहनों ने बड़े धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों एवं छात्र छात्राओं ने जमकर भाग लिया। एक से बढ़कर एक श्री कृष्ण के रूप में जमकर सभी ने डांस किया। इस मौके पर बीके बहन कुमारी सपना ने आए हुए सभी बहन और भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त किया और कहा, परमपिता परमात्मा के हम सभी एक ही संतान हैं। यहाँ पर ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा, हम सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। हम सभी को प्यार मोहब्बत से रहना है। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। शिव परमात्मा धरातल पर आ चुके हैं और वो हमारे मन के दिल के अंदर हैं। महसूस करोगे तो तुमको भी पता पड़ेगा, हमारे अंदर परमात्मा हमेशा रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, लेकिन एक चित मन से देखो तो वह तुमको हमेशा दिखाई देंगे। वहीं इसी बीच आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार सभी छात्र छात्राएं और जमकर सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत डांस करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं राधा कृष्ण के रूप में देखिए किस प्रकार सबका मन मोहते हुए छोटे छोटे मासूम विद्यार्थी और बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि सबका मन मोह रहे हैं। और रंगारंग कार्यक्रम के तहत भगवान श्री कृष्ण सुधामा राधा और गोपियों का डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जानिए क्या कुछ कहना है बीके बहनों का, किस प्रकार उन्होंने जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया है। मैं बीके सपना बहन बाहर से, आज प्रोग्राम बच्चों का कल्चर प्रोग्राम रखा जन्माष्टमी के प्रति और परमात्मा की याद में हम सब बच्चे, हमारा उद्देश्य यही है कि श्री कृष्ण जल्दी से जल्दी इस धरा पर आएं, सत्य की दुनिया जल्दी से जल्दी इस पर धरा पर आए और सभी सत्य की ओर अग्रसर हों, झूठ खत्म हो और सत्ययुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। अगर अब नहीं जागे तो कब नहीं जाग सकेंगे, क्योंकि अब समय बहुत नज़दीक है, विनाश की ओर है और अब ये समय माना समय नज़दीक कहो कि माना भगवान इस धरा पर आ चुका है, हम सब बच्चों को जागृत कर रहे हैं कि जागो और नहीं तो फिर क्या है, हम सोए पड़े रहेंगे तो परमात्मा कहेगा कि बच्चे फिर पछतावा रह जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकेगा। माताओं को यही कि आप सभी भी इस जीवन को जैसा परमात्मा कहते हैं कि सत्य की ओर चलो, तो यही हम सब को यही संदेश देते हैं कि आप भी झूठ खंड को माना छोड़ एक सत्य खंड की ओर चलने की तैयारी करें और उसके लिए आपको परमात्मा से राजयोग की शिक्षा प्राप्त करके ज्ञान योग की माना अच्छी रीति से धारण करके और उस पर चलें, चल करके और धारण भी करें, धारण करके चलेंगे तो उसका क्या है लाभ या फायदा मिलेगा। पुष्टि गुप्ता जी, कब से आपने डांस सीखा है? दो दिन में। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आज का प्रोग्राम में क्या आपने सीखा? बाबा के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी गलतियां नहीं करनी चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, बाबा के सामने अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, तभी तो हम सत्युग में जाएंगे। के साथ जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हिंदुस्तान सीबीएन।